मुंगेली जिला पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी को एक होटल से किसान के 1,78,000 रुपए लेकर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने नाकेबंदी कर इन आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ये गिरोह मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ये गिरोह एमपी के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग शहरों में उठाईगिरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पूरा मामला मुंगेली के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 27 तारीख की है, जिसमें दोपहर 3 बजे सूचना आई थी प्राथमिक द्वारा कि उससे उठाईगिरी हो गई है पंजाब नेशनल बैंक मुंगेली के पास से। और सूचना मिलते ही हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमारे समीपुर जिले को हमने पॉइंट दिया कि ऐसी घटना है, जानकारी साझा की और नाकाबंदी का आग्रह किया। और इसी क्रम में हम लोग फास्टापुर थाने में जो कार है, ह्युंडई कार में तीन व्यक्ति बैठे मिले, जिनका हुलिया जो हमारे पास जानकारी थी उससे मिल रही थी, तो पूछताछ करने पे उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और उठाई गई सारी रकम बरामद हो गई है।